उज्जैन जिले के आगर मालवा निवासी नगर पालिका परिषद में ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रेस वार्ता कर लोकायुक्त डीएसपी पर कार्यवाही नहीं करने और नगर पालिका सीएमओ पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस संबंध में रितेश खंडेलवाल पिता महेश खंडेलवाल छावनी आगर मालवा के पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उनके द्वारा गौलीपुरा क्षेत्र में सीसी रोड का करीब 14 लाख रुपए का टेंडर लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। नगर पालिका परिषद आगरा द्वारा 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है, वहीं शेष राशि के भुगतान के लिए नगर पालिका प्रकरण परिषद में लंबित है। इस भुगतान को करने हेतु सीएमओ छिंद्रा सिंह जाट द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत 14 अगस्त 2019 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त में पदस्थ टीआई हितेश पाटिल ने आरक्षक हितेश ललावत को मेरे साथ आगर भेजा, जहां सीएमओ जाट ने 5000 रिश्वत लेने की मांग की और 2000 रुपये मुझसे ले भी लिए। इसी दौरान लोकायुक्त द्वारा मुझे रिकॉर्ड दिया गया, उसमें टेप भी हो गया। इसके बाद रिश्वत के बचे 3000 रुपये लेकर मैं लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन पहुंचा, जहां डीएसपी वेदांत शर्मा और टीआई हितेश पाटिल मिले, उनके साथ पंच भी थे, जिन्होंने 3000 रुपये के नोट पर कलर लगाकर मुझे वापस कर दिए। डीएसपी वेदांत शर्मा की टीम के साथ आगर के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर पता चला कि कलेक्ट्रेट में मीटिंग के बाद कुछ ही देर बाद सीएमओ मीटिंग से सीधे देवा चले गए और उनका मोबाइल बंद आ रहा था। उसी दिन से सीएमओ मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं और मेरा भुगतान अभी भी लंबित है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। तो शिकायत करने गए थे सीएमओ की, उसके बाद क्या प्रोसेस हुई थी वहाँ पे? उनकी प्रोसेस क्या, उन्होंने मुझे एक वहाँ से पहले तो आवेदन लिया, फिर मेरे साथ एक जवान भेजा रिकॉर्डिंग कैमरा वो लेके ऑडियो रिकॉर्डिंग का, उनके साथ भेज के अगर मेरी उनसे लेन देन की बात की, जिसमें 2000 रुपए मेरे से सीएमओ ने भी लिए आते आती, वो चीज़ भी उसमें रिकॉर्डेड है। उसके बाद 3000 रुपए बात थी तो सोमवार को देने की बात हुई कि मैं राखी के बाद सोमवार तक आपको दे दूंगा, तो उस दिन जिस दिन ये होके उसके बाद अभी यहाँ उसके बाद सोमवार को मेरे को उन्होंने बुलवाया यहाँ पर लोकायुक्त टीम। लोकायुक्त टीम यहाँ से फिर आगर गई साथ में मेरे, पूरे नोट मंगा, हाँ नोट लिए 3000 रुपए उन्होंने, 500 के उसमें केमिकल लगा के मेरी जेब में रखे और फिर मेरे साथ टीम गई। इस बीच वो टीएल बैठक जहाँ चल रही थी वहाँ टीएल बैठक से और सीएमओ वहाँ से अपने कलेक्ट्रेट से निकल गए वो, और वहाँ हम लोग नगर पालिका उनका इंतजार करते रहे पूरी टीम के साथ। शाम तक जब नहीं आया पता चला कि वो निकल गए हैं देवा, तो मोबाइल फ़ोन बंद है उनके, उसके बाद टीम वापस आ गई। कुछ दिन बाद मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ भी नहीं, वो आया नहीं हाथ में, जब आएगा अपन कार्रवाई करें। उसने किसने बताया आपको? ये डीएसपी साहब हैं, उन्होंने ही बताया। क्या शक है डीएसपी साहब का? क्या नाम? डीएसपी साहब का नाम है इसमें शर्मा जी हैं, कुछ वेदांत शर्मा जी। तो आपको क्या शक है, क्या पुलिस ने लोकायुक्त से? तो सीएमओ ने जो बोला कि इस तरीके की कार्रवाई होती रहती है, क्योंकि सब पैसा देके और सब चल जाता, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है उससे। इस हिसाब से ये चीज़ पता चली जब आज इतने महीने तक सीएमओ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो यदि लोकायुक्त प्रकरण दर्ज हो जाता है तो उस पर भी कार्रवाई है, सीएमओ पे भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। यदि सीएमओ पे कार्रवाई नहीं हुई, आपको लगता है लोकायुक्त यहाँ से मुखबरी हुई है और उन्होंने बिल्कुल है ना उसमें लगता है ऐसा कि उन्होंने पैसा लेके उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।